अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आप लोगों ने सुबह का नाश्ता तो देख लिया होगा। आज हमने सिर्फ कॉफ़ी पी थी और मैंने साथ में जो है कुकीज़ ली थी, बिस्किट, वो जो क्रैकर्स होते हैं, और मेरे हस्बैंड ने जो है वो हाफ नान और साथ में जो है वो सालन लिया था। सालन जो मैंने बनाया था वो मैंने बनाया था रात को बोनलेस हांडी। तो वो रेसिपी मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पाई। अगर आप लोगों को वो रेसिपी चाहिए तो नीचे कॉमेंट कर दें। अगर मेरे कुकिंग चैनल पर थी तो वो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, और अगर नहीं थी तो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बना के दिखा दूँगी। तो अब जो है वो दिन का हो गया आगाज़। मैंने अपनी एक वीडियो एडिट करके तो वो अपलोडिंग पे लगा दी है, और अब हम घर पर समेटेंगे। मैंने कपड़े धोने हैं आज, और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर होंगी। सो स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, तो ये जो है स्कूल के स्वेटर्स हैं जो मुझे था कि मैं इनको वॉश करूँगी, ताकि मैंने इनको वॉश करके बंद किया था, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ साइड मैं इनको वॉश करूँगी। ये तराल की कुछ शर्ट्स हैं जो मुझे वॉश करनी है, और ये उस दिन संडे बाज़ार से चीज़ मैं दिखाना आप लोगों को भूल गई, मैं सॉक्स लेकर आई थी। मैं हमेशा जो है ना क्वेटा से भी जो है इस तरह की सॉक्स लेती थी जो रेड़ी पर मिलती हैं, और ये मीन्स न्यू सॉक्स हैं एंड इट्स वेरी रीजनेबल। लाइक मैंने 50 रुपीज़ का शायद एक पेयर ख़रीदा है, और ये देखिए मैंने क्वेटा से भी इतनी जराबे ली थी, पता नहीं किधर बस जो है ना वो, या फट भी जाती है, मेरी तो खैर फट भी बहुत जाती है। तो ये देखिए मैंने एक ये पेयर लिया है, एक ये लिया है, और ये एक तलाल के लिए लिया है, और ये भी मैंने लिया है बेटी के लिए, फोकस के स्कूल जाते हैं ना तो उनके चाहिए होती हैं, और ये जो है ये तीन पेयर्स लिए हैं फॉर वॉक वगैरह, ये आप देख सकते हैं। तो ये तीन का जो है ना ये पेयर है, ये एक ग्रे एंड ब्लैक है, और ये ब्लैक है, और एक ये वाइट और ग्रे कलर की, तो ये मैंने लिए हैं। और अब ये मैश बैग इसके अंदर में डाल के तो इनको जो है ना आज मैंने, क्योंकि अभी मशीन लगानी है तो मैं इनको वॉश कर लूँगी। आई थिंक मुझे लग रहा है ये वाला बैग छोटा होगा, तो मैं इस वाले बैग में इसको डाल के तो इसको जो है सबको वॉश कर लूँगी। इसको हटा दो ये कागज़, वरना ये कागज़ बहुत गंद मचाएगा। याद रखें जब आप वॉशिंग करते हैं ना तो कागज़ वगैरह नहीं होना चाहिए कोई भी ना। तो वैसे नोट तो फटते नहीं, लेकिन नॉर्मल पेपर या टिश्यू पेपर जो होता है ना वो पूरी की पूरी वॉशिंग मेरे साथ हो चुका है कि मैं बेडशीट धो रही थी और पता नहीं किस चीज़ में से टिश्यू पेपर ना पूरी बेडशीट जो है ना वो बाद में मुझे इतनी मुश्किल से साफ करनी पड़ी थी। तो ये जराबे एज जैसे इसके ऊपर जो ये लगी हुई है ना, इसको जोड़ा हुआ, इसी तरह से मैं करूँगी कि ये इसके अंदर ही रहे, और ये सारी जराबे जो है ये इसमें डाल के तो ये स्वेटर अभी मैंने वॉश करना है। और ये बैग्स जो है ना ये लॉन्ड्री बैग्स हैं, मैंने अपने वॉशरूम में ही रखने ताकि जब भी मुझे ज़रूरत होती है ना ये अपने स्टोर में रख लूँगी तो ये काम आ जाएंगी। तो कपड़े शपड़े बस अभी मैं वॉश करती हूँ। हाँ जी, तो ये जो मेरी मदर इन लॉ और मेरी अम्मी के कपड़े थे इनको अभी मुझे, मैंने वीडियो बना ली तो अब यू नो वीडियो के बाद ऐसे फेंक देती हूँ मैं, तो अब मुझे था कि इनको मैं प्रॉपरली बैग में कर लूँ ताकि बाद में जो है ना फिर इनको क्योंकि मैंने गिफ्ट देने तो भेजते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड शॉपकीपर ने जो है ना इसकी सील नहीं हटाई थी, उसने मुझे कहा था कि आप इसमें दोबारा से जब पैक करेंगी क्योंकि गिफ्ट्स हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। तो अब मैं ज़रा इनको प्रॉपरली अच्छा सा तय करके बंद कर देती हूँ। हाँ जी, तो डीप फ्रीज़र जो है वो आज मुझे खाली कर दिया मैंने। आज मैं जो इसको साफ़ कर लेने के बाद मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूँ, क्योंकि अभी विंटर्स आ गई हैं तो मीन्स स्टार्ट हुई हैं तो इसकी इतनी नीड नहीं, क्योंकि इसमें मोस्टली मेरे आटा मसाले वो सारी चीज़ें इस डीप फ्रीज़र के अंदर पड़ी होती हैं। तो अभी बिकॉज आई डोंट नीड इट, क्योंकि अब मौसम ठीक हो गया है, इस तरह ख़राब होने का कोई ख़तरा नहीं है, तो आज मैं इसको खुला रखूँगी। इसमें से पानी शानी जब नीचे आ जाएगा तो फिर जो मेरी हेल्पर हैं और मैं मिलके इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। और इसको मैं एक दो दिन के लिए आप छोड़ दिया करें, अगर आप लोगों ने साफ़ करना होता है दो दिन, जब आप कुछ इसको छोड़े रखेंगे तब आपका जो डीप फ्रीज़र है उसके अंदर फंगस नहीं पड़ेगी। खैर, इसके बाद मैंने इसके अंदर बहुत सी चीज़ें रखनी होती हैं, सॉरी आई यूज़ इट लाइक किचन कह सकते हैं कि स्टोरेज के लिए, मैं फिर बाद में इसको विंटर्स में यूज़ करूँगी। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से इसको खुला छोड़ दूँगी, ये साफ़ हो जाएगा, और उसके बाद इसको करते हैं बंद।
हाँ जी, तो राइट नाउ आई एम इन माई किचन और आज मैं एक बहुत ही मज़े की यम सी टी टाइम के लिए एक रेसिपी बना रही हूँ। और जो डो बनाऊँगी मैं, वो रेसिपी मैंने आप लोग से पहले शेयर की हुई थी, नीचे मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग वो देख लीजिएगा। उसमें जो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं वो सारे उसके अंदर हैं, आप उसको देख लीजिएगा। और नीचे मैं इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो कॉपी करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूँगी, तो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बन की वही डो की वही रेसिपी है, और आगे जो प्रोसीजर होगा ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इट्स वन ऑफ दी वेरी हेल्दीएस्ट रेसिपी, यू कैन से कि आप शाम को बच्चों को भी दे सकते हैं, हस्बैंड को भी दे सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं, एंड उनके लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छी है। तो बस अभी लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो मैं अभी आपके ना एक दो क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे था कि मैं दे देती हूँ जब तक मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। किसी ने मुझे कहा था आप केक्स भी बनाना सिखाएं, तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी केक्स की रेसिपी भी शेयर की है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और मेरी कुकिंग चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप लोग उधर जाके देख लें, तो वहाँ पर भी केक्स की और बेकिंग की रेसिपीज हैं। तो ये है कि सेवरी बेकिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, मींस डो से चीज़ें बनाना जो मैं आज बना रही हूँ। तो उसके अलावा ये होता है कि मुझे जो है ना केक्स भी अच्छे लगते हैं। एक्चुअली मैं इतना केक खाती नहीं हूँ ना, तो बच्चे मेरे खाते हैं शौक से, आजकल मेरी बेटी भी नहीं खा रही इतना शौक से, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना बनाऊँ क्योंकि केक्स आर वेरी फैटनिंग। लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत ईजी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ केक्स की एंड कुकीज़ की, आई हैव इट इन माई माइंड कि मैं आप लोगों के साथ ये सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो बेकिंग के लिए होता है कि सबसे पहले जब आप सेवरी बेकिंग कर रहे होते हैं ना, कोई भी बेकिंग कर रहे होते हैं, तो ये नॉर्मल कुकिंग की तरह तो होता नहीं है, पर सबसे पहले आपको सारी चीज़ें संभाल संभाल के रखनी होती है। हाँ जी, तो मैंने यीस्ट जो है ना वो इस छोटे से जार में डाल के रख दिया है, और इसमें ये एयर टाइट जार है। यीस्ट को अगर आप शीशे के जार में बंद करके रखेंगे, क्योंकि मैंने तकरीबन कोई 500 ग्राम्स वाला यीस्ट का पैकेट लिया था, तो कुछ जो है ये है जो मैं हैंडी यूज़ करती हूँ, बाकी को मैंने अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ किया हुआ है। फ्रीज़ वो इस तरह नहीं होता कि जम जाएगा, लेकिन वही होता है कि उधर संभल जाता है और आपको आसानी हो जाती है, ये ख़राब नहीं होता। अगर इसको थोड़ी सी नमी लगे ना तो यीस्ट जो है ना वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, आप उसे कोई बेकिंग नहीं कर सकते। दूसरा मुझे किसी का क्वेश्चन आया था लिपस्टिक के बारे में, जो मैंने आज भी लगाई हुई है, मिस रोज़ की लिपस्टिक है। मैं ये एक ही शेड यूज़ करती हूँ, मैंने आप लोग से पहले भी शेयर किया हुआ था, उसका नंबर 1 है जो मैं यूज़ करती हूँ। तो अगर आप मिस रोज़ की लिपस्टिक्स लेते हैं तो जाएँ उसके साथ पेंसिल, मीन्स उसके साथ उसका आउटलाइन भी होती है, लिप लाइनर जो होता है ना वो उसके साथ ही होता है। मोस्टली मेरी जो जितनी लिपस्टिक्स हैं ना वो सारी इसी कलर की होती हैं, समटाइम्स मैं कोई एक लगा लेती हूँ, कभी समटाइम कोई एक लगा लेती हूँ। तो और मेरी देवरानी ने भी अभी जो मुझे हुदा वाली भेजी है वो भी वही कलर है, तो क्योंकि मुझे ये लिपस्टिक का कलर अच्छा लगता है, सीरियसली मुझे यही कलर अच्छा लगता है, मुझे लगता है मुझे सूट भी यही कलर करती है। आज आप मुझे पूरे व्लॉग में देखेंगे कि मैंने वही कलर जो है ना मोस्टली अपने होंठों पर लगाया है। हाँ जी, तो ये अब मैंने यीस्ट जो है ना इधर दूध में डाल के रखा है, पानी में नहीं रखा, क्योंकि हम ये आटा जो है ना इसको दूध से गूंदेंगे, और इसकी रेसिपी जो है नीचे आप लोग देख लीजिएगा, मैं वो व्लॉग शेयर कर दूंगी। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि अभी मैं काम शाम करके फारिग होकर बैठी हूँ, तो ये नेल पॉलिश देखिए बैठ चुकी है। इसको आसानी होती कि आराम से जो है ना आप यूं करो तो ये हट जाएगी, तो ये जो है हमारी नेल पॉलिश मिट गई है, मिटती जा रही है बल्कि। तो ये जो है इस पॉइंट पे, ये अभी तकरीबन इसको गूंथते हुए हाफ एन आवर हो गया, तो अब मैं इसमें बटर शामिल करूंगी। तकरीबन कोई मैं देखूंगी 30 ग्राम्स इसमें बटर जाएगा, मीन्स सॉफ्ट बटर जो होता है ना, वो ये होता है कि वो इसको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शाइनी सी जो है ना वो जो लेयर आती है और एक सॉफ्ट सी डो बनती है ना उसमें काम देता है। अगर पहले आप बटर डाल देंगे, लास्ट टाइम मैं बताना भूल गई थी, तो उससे ये होता है कि वो इस तरह की लुक नहीं देता। ये कोई रॉकेट साइंस होगी इसकी, आई डोंट नो क्या है, लेकिन ये कि जब आप इस पॉइंट पे जब आटा अच्छी तरह से जो दाने होते हैं आटे के वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद इसमें ये बटर डालता है। ठीक है, अब ये तकरीबन कोई यू कैन से 30 ग्राम्स बटर है जो कि मैंने इसमें डाल दिया है और इसकी सेटिंग कर दी है, और अब मैं इसको दोबारा चलाऊंगी और ये बटर अब इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये आटा जो है जब तकरीबन को 1.5 घंटे तक इसमें पड़ा रहेगा और ये डबल इन साइज हो जाएगा, मीन्स रेज हो जाएगा, और उसके बाद जो है ना इसको चेक करेंगे।
जी, तो आई एम ऑन माई वे, अब मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से लेने। आज मैं बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ, मौसम बहुत अच्छा है इसलिए मैं जा रही हूँ, क्योंकि वरना मेरे हाथों में जो है ना वो निकल आते छोटे छोटे दाने। तो अभी मैंने सारे अपने काम जो है वो वाइंड अप कर लिए थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, उन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें भी ले जाता हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल लेने के लिए। हाँ जी, ये देखिए हमारा जो है ना डो बिल्कुल रेडी हो गई है, और मैं इसमें थोड़ी पंचिंग कर लेती हूँ, और फिर अब इसको निकाल के तो मैं इससे जो है ना बनाऊंगी बहुत ही मज़े की रेसिपी। हाँ जी, तो अब मैं आपको बता दूँ कि मैंने चीज़ के साथ मैंने क्या किया था। आप लोगों को पता है कि मैं 2 किलो का चीज़ का पूरा स्लैब लेकर आती हूँ बड़ा, तो उसको जो है ना आप फ्रीज़र में मत रखिए, उसको फ्रिज में ही रहने दें, बस उसको कोई छुरी जो रहती है ना साफ से काट लिया करें। फ्रीज़र में ये होता है कि वो बहुत अजीब सा पानी पानी सा हो जाता है, अच्छी अच्छी चीज़ फिर वैसी रहती नहीं है, तो चीज़ को हमेशा फ्रिज में रखें। दूसरा ये कि मैंने इसके बड़े बड़े टुकड़े काट के ना तो इसको फ्रीज़र में रख दिया था थोड़ी देर के लिए सख्त होने के लिए। अब जो सख्त हो चुका है तो मैंने इसको, आप देख सकते हैं मैंने अपना चॉपर निकाला है और इसमें मैं इसको श्रेड कर रही हूँ। जैसे कद्दूकश नहीं करते आप, इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, मैं इसलिए इसमें कर रही हूँ कि हाथों की गर्माइश जो है ना वो चीज़ को पिघला देती है, तो इस मशीन में ये नहीं होगा। और मेरी जो चीज़ है वो प्रॉपरली जो है ना वो श्रेड हो गई है। अब कुछ जो है वो मैंने आज की रेसिपी में यूज़ करनी है, और कुछ जो है मैंने दोबारा डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दी कि आगे जो मैं रेसिपीज़ बनाऊंगी तो उसमें मेरे काम आ जाएगा। हाँ जी, तो रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर ली, इंशाल्लाह ताला कल वो रेसिपी आएगी, कल ज़रूर देखिएगा, बहुत यमी रेसिपी है, सीरियसली यू विल लव इट। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।